So, दोबारा से आपका स्वागत हो चुका है एक और नई स्वॉर्ड एंड शील्ड के सेकंड एपिसोड पे, जहाँ पे आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 200 डेज, जहाँ पे हमारा एम रहने वाला है कि हमें आज एक जिम ट्रेनर को हराना है, सेकंड कि आज हमें रजिस्टर करना है हम लोग एज ए जिम ट्रेनर, एंड देखते हैं अगर कोई अच्छे नए पोकेमॉन आए तो उन्हें भी पकड़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे रूट 2 पे, जहाँ पे हम लोग ने एंड आउट किया था और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रूट 2 पे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वहां चलते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक ही चीज रहने वाली है, खुर्शियों की पेटी जरूर बांध लेना, इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे रूट 2 पे, जहाँ पे हम लोग ने लीव किया था वहां से हम लोग ने शुरुआत कर दी है। और हाँ, यहाँ पे हमने काफी चेंजेस कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग का कपड़े चेंज हो चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों को थोड़े बहुत पोकी बॉल्स भी मिल चुके हैं, मेरे को बाद में पता चला कि आप लोग अल्ट्रा बॉल्स, ग्रेट बॉल्स वगैरह सब दे सकते हो, वो भी आपके शॉपिंग साइट से। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग ने ऑफलाइन ग्राइंड करके मैंने मेरे कुछ जो पोकेमॉन्स है, जैसे कि इटर्निटस एंड सैक, पता नहीं यार उसका नाम भूल गया, भेड़िया, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा बहुत मैंने अपग्रेड कर दिया, लाइक उनके लेवल अप कर दिए, इंक्लूडिंग यहाँ से मैंने एक चालीसा भी पकड़ा है जो कि शाइनी है। इनफैक्ट गैराडोस भी मुझे मिल चुका है, यानी भाई हमारी जो टीम है वो काफी तगड़ी हो चुकी है कि लाइक मैं आराम से जिम ट्रेनर्स को हरा सकता हूँ। इनफैक्ट उन लोगों को लेवल अप भी कर दिया, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने जैगेंटा मैक्स रेट्स भी कर लिए, जिससे भाई अच्छा खासा हमारे पास पैसा वैसा सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट ये है कि हमें एट द एंड ऑफ 200 डेज हमें हराना है एक जिम ट्रेनर को। ठीक है, तो भाई फटाफट से ये सामने वाले शहर पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही मेरे को जाना है और यहाँ पे मेरे को ऐसा रजिस्टर करना है फॉर आर ओपनिंग सेरेमनी एज ए ट्रेनर। भाई फटाफट चलते हैं, और यहाँ पे ये मेरे को कुछ चीजें पता चल चुके हैं कि यहाँ से आप लोगों का पोकेडेक्स मैप वगैरह जो भी आपको देख रहे हैं आप लोग आराम से दे सकते हो। ये रे गाइस, आप लोग मेरी टीम देख सकते हो, इटर्निटस नाम भूल जाता हूँ मैं इसका, पता नहीं क्यों भाई हमारे पास टायरिन क्या आ चुका है, गैराडोस वगैरह सब कुछ आ चुका है। ठीक है, एंटीडोट्स एंड भाई भर भर के सामान मिलता है। तो भाई फटाफट चलते हैं इस नए से शहर में और देखते हैं ये शहर कैसा है, हमारे वादे से अच्छा है कि नहीं, तो मेरे को तो गाइस ये शहर का नाम है मोटो स्टोक, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, और मेरे को एक और चीज पता चले कि यहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो विद द बाइसिकल, और वो देखना पड़ेगा कहाँ पे मिलेगी कहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अब चालू होने वाला है कि यहाँ से हमारे को अब धीमे धीमे करके सारे पोके ट्रेनर्स जो होते हैं उन लोगों को हराना है। और यहाँ पे पोके ट्रेनर बहुत अलग अलग टाइप के, ग्रास टाइप, फायर टाइप, आइस टाइप, वाटर टाइप, लैंड टाइप, एयर टाइप, जो भी है भाई उनको हराना है। और एट द एंड हमें बनना है वर्ल्ड चैंपियन, जहां पे जाके हमें लीग को हराना है। भाई लीग को तो मैं ही हराने वाला हूँ, तो भाई फटाफट चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं एक्चुअली गाइस यहाँ से जा चुका था, ये सामने जो आपको दिख रही है ये लिफ्ट है एक्चुअली, और यहाँ पे जाते ही मेरे को ली मिल गया था, क्योंकि उसका जो पोकेबॉल है यानी चारिज़ार्ड वो पीछे से मेरे को गिर 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 करके बुला रहा था, पता नहीं गुरु गुरु क्यों करता है। फिर ये लोग इन लोगों के आपसी में बात चालू हो गई थी, और इनफैक्ट उसने मेरे को भी कुछ बता दिया कि लाइक मेरे को बोला कि ये लिफ्ट है जहाँ से मेरे को ऊपर जाना है, क्योंकि जो स्टेडियम है वो यहाँ ऊपर ही है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो दोस्त है वो मेरा इंतजार कर रहा था, फिर हम लोग उसके साथ जाके या रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पूछा था, बहुत उसने बताया कि हाँ भाई अपने को यहाँ अंदर ही जाना है एंड अंदर जाके हमें रजिस्टर करना है। और ये बोल रहा था भाई तूने काफी ज्यादा देर लगा दी, तो भाई ऑफकोर्स देर तो लगाऊंगा ना, मुझे थोड़ी ना पता तू रेगुलर आता है, मैं थोड़ी ना आता हूँ, अकेला भाग जाता है, पता नहीं कौन सी इत्र को वो लगी है। फिर यहाँ पे गाइस आते ही एक पता नहीं एक कार्टून सा बच्चा हमारे को देखने को मिला था, पता नहीं कौन से टाइप का लेवल ऐसे बंदा इंटरव्यू था। फिर गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा हमारा रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड बात कही, तो इसने हमसे मांगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि हमें दे चुका था ली ऑलरेडी पहले से। तो ये बंदा वही बोल रहा था कि भाई ऐसा तो भाई चैंपियन को आपने लोगों ने क्या कर दिया कि भाई आप दोनों को चैंपियंस के थ्रू रिकमेंडेशन मिली, और अगर चैंपियंस के थ्रू रिकमेंडेशन मिली है दैट मीन्स आप लोग कुछ तो स्पेशल हुआ, तो ये आपको मिला होगा अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी अपना जो होप है वो थोड़ी बढ़ाया मानने चालू कर दिया था कि हाँ भाई ऑफकोर्स वो तो मेरे को दे ही देगा, वो मेरा भाई है। फिर गाइस थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ से बातचीत हो गई थी, और हमें इसने बोला कि भाई हमें एक होटल का रूम अलोकेट हुआ है, तो हमें जाना है होटल इन ऐसा डाइनिंग इन या होटल इन कुछ नाम था, तो हम लोग को वहां जाना है, तो वहां पे एस्कॉर्ट करने के लिए इन्होंने हमारे लिए एक ट्रेनर भेज दिया था जो कि हमें वो वहां पे ले जाने वाला है। यस गाइस, फिर हमारा यहाँ पे ड्रॉप इन नाम था होटल का हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए होटल में, जहाँ पे हमें देखने को मिली सोनिया, मिस सोनिया। ठीक है, तो वहां पे हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई सोनिया जी,
से उन्होंने बोला कि हाँ भाई फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ गए, मेरे को लगा था तुम लोग गायब हो जाने वाले, बट नहीं यार नहीं हुए। फिर यहाँ पे आते ही हम लोग ने हमारा रूम हम लोग ने जो एलोकेट किया गया था हमने वो ले लिया, और इनफैक्ट हमें बोला गया कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो आपका स्टेडियम के अंदर ही रहने वाला है। यस गाइस, स्टेडियम के अंदर जो यूनिफॉर्म है उसका नंबर आप देखना आप लोग को पता चल ही जाएगा कि मैंने 1 नंबर लिया है, ठीक है। तो यस गाइस, फिर नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और हम लोग को बोला गया कि ये लो भाई आपका यूनिफॉर्म पहन लीजिए कृपया करके, तो ये आपको अंदर जाने मिलेगा वरना तो नहीं मिलेगा। फिर मैंने फटाफट से हमारा यूनिफॉर्म यहाँ से इसके पास से लिया, यस गाइस, उसको हम लोग जैसे पहन गया और भाई क्या ही नंबर 1 लग रहा था, और ये भी बोल रहा था भाई नंबर 1 भाई तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बना, यस गाइस आई एम द नंबर 1। फिर गाइस एट द एंड जस्ट उसके बाद सेरेमनी चालू हो चुकी थी जहाँ पे सारे ट्रेनर्स को इंट्रोडक्शन करवाया था जैसे कि आप देख सकते हो, और भाई वो ट्रेनरों का स्वैग क्या ही था भाई साहब, डैम। एंड एग्जैक्ट उसके बाद हमारा इंट्रो हुआ एंड गेस व्हाट गाइस, क्या लग रहे हम लोग, यही हमारा ड्रीम है कि यही स्टेडियम में आके हमें हराना है पोके वर्ल्ड के सबसे अनडिफीटेड चैंपियन को जिसका नाम है ली, यस गाइस, और रेड को बनाना है द वन ऑफ द बेस्ट अनबीटेबल चैंपियन। तो ये तो यार आप लोगों को पूरी ये सीरीज तक के एंड में ही पता चलेगा। फिर गाइस उसके बाद हम लोग ने बाहर जा ही रहे थे तो हमें ली और यहाँ का जो क्या बोलते हैं इसको जो भी मेन हेड था वो हमसे मिलना आ गया, और उसने बोला कि भाई बहुत खुशी हुई आप दोनों को मिलकर। एंड उसके बाद बोला कि यार वो जा रहा है, उसको कुछ बिजनेस मीट आ गई थी, तो उसके बाद ली बोल रहा था कि अब भाई तुम लोग ऑफिशियली ट्रेनर बन चुके हो, तो अब तुम्हारे को करना ये होगा कि आप लोगों को सारे जिम बैडस लड़ने पड़ेंगे और उनसे जिम बैजेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर भाई वही खुशी खुशी में हम लोग भाई ऐसे जिस निकल गए जहाँ पर तो मुझे रास्ता पता ही नहीं था, और ली एज यूजुअल हमारे से अलग हो चुका था, पता नहीं भाई क्या ही करता है भाई बंदा, भाग ही जाता है भाई कुछ भी करता है। फिर उसके बाद वो उसको मैं बहुत कठिन परिश्रम के बाद मैंने उसे ढूंढा, एंड भाई ढूंढने के बाद भी वो बंदा मेरे साथ लड़ना ही चालू कर दिया भाई, लीजिए भाई पता नहीं क्यों भाई मेरे से इतना लड़ता है यार, क्यों भाई क्यों लड़ना चाहता है पता है तेरे को कि तू हारने वाला है मेरे से। फिर उसके बाद भाई एस यूशो हमारी बैटल चालू हो चुकी थी, यार हमारा एस यूशो भाई जो इटरनेटस था हम लोग ने उसे बाहर निकाला एंड ये बोला कीप अप मेट, दिस इज आवर चांस टू सी इफ वी कैन केपेबल ऑफ फाइट्स वगैरह। तो यहाँ पे मेरा इटरनेटस लेवल 22 का हो चुका था, और भाई मेरा इसका एक ही अटैक था डायना मैक्स कैनन, जो कि आप देख सकते हो भाई एक शॉट एंड बंदा खलास, जी हाँ गाइस 1 shot 1 kill हो चुका था इसका, और उसके अंदर भी ये बंदा बोल रहा था कि हाँ भाई तू काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बस ऐसे तैसे मैंने इसके जितने भी सारे पोकेमॉन्स थे मैंने सब उसके हरा दिए भाई, और काफी भाई नो डाउट कह सकते हैं कि बंदा स्ट्रॉन्ग था अगर मेरे पास नॉर्मल पोकेमॉन होते और गॉड लाइक पोकेमॉन नहीं होते, बट यार या मैं हूँ रेड, रेड का लग यूज करके सारे गॉड लाइक पोकेमॉन्स मैंने पकड़ लिए। अच्छा देखते हैं भाई, मेरे को पता चला कि केव्स वगैरह के अंदर म्यूटूस वगैरह भी मिलते हैं, बट देखते हैं अगर मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस यहाँ से अब हमें जाना है रूट नंबर 3 पे, ठीक है, जहाँ पे मेरे को लड़ना होगा ग्रास टाइप लीडर से, बट वहां जाने से पहले मेरे को और एक और गॉड लाइक पोकेमॉन मिल चुका था, बट यार मैं उसको नहीं पकड़ पाया था क्योंकि यार ये 1 shot kill हो रहा था एंड उसको पकड़ना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था मेरे लिए, बट इतना पता चल गया था कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा ये स्पॉन हो रहा है जिसका नाम था रशियर, जिसने अगर ना देखा तो कृपया करके रशियर गूगल पे सर्च कर लेना उसे पता चल जाएगा। फिर गाइस काफी रेशियरम्स मारने के बाद एक भी रेशियरम्स मेरे पास नहीं आया, यस गाइस बहुत ज्यादा मैंने ट्राई किया रेशियरम को पकड़ने की, बट मुझे पता चला कि यार मैं रेशियरम को ऐसे ही नहीं पकड़ सकता बिकॉज मेरे को लेवल 16 से लेके लेवल 20 तक के पकड़ने के लिए मेरे को एक एटलीस्ट ट्रेनर को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ये वाली जगह पे कोई एक पोकेमॉन पकड़ पाऊंगा अच्छे से। गाइस मैंने काफी ट्राई कर लिया ए टू जेड, मैंने हर एक पोकेमॉन लिन्ने से लिन्ने पोकेमॉन ट्राई कर लिए उसको पकड़ने के लिए, बट गाइस मैं नहीं पकड़ पा रहा था इंक्लूडिंग अल्ट्रा बॉल से भी नहीं ग्रेट बॉल से भी नहीं किसी से भी नहीं। फिर एट दी एंड मैंने भाई जो होप थी वो मैंने होप को छोड़ दी दिया एंड उसके बाद भी वो नहीं, बट स्टिल वो बंदा मेरे को इतना पागल बना रहा था रशिरा, वो बार बार स्पॉन हो रहा था बस मेरे को झला रहा था, उसको ना मेरी टीम ज्वाइन करनी है और ना मेरे साथ करना है, फिर भी वो बंदा आ रहा है यार क्यों आ रहा है भाई मेरे साथ पकड़ में ही नहीं आना तेरे को तो क्यों आ रहा है भाई। फिर गाइस जैसे जैसे उससे पीछा छुड़वा के हम लोग वापस आ गए तो सोनिया वापस मुझे मिल गया और वो बोल रही थी कि क्या तुम वो कोल माइन देख रहे हो, तो मैंने बोला हाँ मैं देख रहा हूँ, तो वो कोल माइन एक्चुअली जो है वो एक्चुअली मेयर की है, तो उसने बोला कि मेरे को वहां का रिसर्च करना है मैं तेरे सारे पोकेमॉन हील अप कर देती हूँ तू वहां अंदर जा
और पता लगा कि वहां पे किस टाइप के पोकेमॉन देखने को मिलने वाले हैं। और वहां जैसे जा रहा था, पता नहीं ये क्यों मेरे को चंपा चपेली देखने को मिल गई। सॉरी, इसका नाम मेरे को अच्छा नहीं पता, इसका नाम चंपा चपेली रख दिया। फिर उसको हराने के बाद मैं डायरेक्टली अपने केव के अंदर गया एंड सारे मेरे केव जैसे देख ही रहा था, हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए थे। एंड वहां पे एक मेरे को माइनर देखने को मिल गया, वो मेरे को चैलेंज करने लगे कि भाई तू ट्रेनर है ना, मेरे को हरा के बता। एंड गाइस गेस व्हाट, बेचारे को रोते हुए जाना पड़ा घर, ठीक है, लाइक या उसको रोते हुए घर जाना पड़ा। और यहाँ पे मेरे को एक उड़ती हुई बकरी भी देखने को मिल गई जिसका नाम उड़ता हुआ गोट मैंने रख दिया, पता नहीं क्यों, पर इसको उड़ते हुए देखने में मेरे को काफी अलग लग रहा था। फिर उसके बाद गाइस वन शॉट किल वापस मैंने कर दिया एंड या वो बेचारा रोते हुए घर चला गया। एंड फिर वापस से मैं निकल चुका था माइन को एक्सप्लोर करने में, जहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं एक्चुअली माइन एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा था म्यूटू की प्लेसेस। बट मैं जैसे वो एक्सप्लोर करने गया तो वहां पे मेरे को ये वापस से एटीट्यूड वाला बंदा देखने को मिल गया। और ये मुझे बाद में पता चला कि ये जो बंदा है ये एक्चुअली मेयर का बच्चा है, और ये बोल रहा है कि इसको जो रिकमेंडेशन मिली है वो खुद मेयर ने दी है। और ये बोल रहा है कि आपको पता है ना कि मेयर भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द अनडिफीटेड चैंपियन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हुआ। मैंने बोला बेटा चुप रहे और आजा चल बैटल करते हैं। फिर गाइस क्या हुआ, हमारे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आपसी तनाव बन गया और उसके बाद हमने थोड़ा ओके बैटल फाइट किया। एंड ये बोल रहे हैं कि भाई मैं निकाल रहा हूं मेरा टारगेट लीडर और तू निकाल तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर जैसे ही मैंने मेरा इटर्निटस निकाला उसका हो गया पिटर्निटस। यस गाइस अगेन वन शॉट किल। फिर ये बोल रहा कि भाई मैं तो सिर्फ तेरे को चांस दे रहा हूं, ठीक है, अभी भी तेरे पास चांस है, अगर तेरे को भागना है भाग ले वरना मैं मार दूंगा। मैंने बोला बेटे तू तेरी पिंक चिट्टी में बैठा रहे, ठीक है। मैंने फिर मेरा वापस से जगॉन निकाला और ब्लेजा मूत स्वॉट ट्राई करी एंड वो बंदा मर गया। ब्लेजा मूत नहीं, सॉरी, क्लोज कॉम्बैट एंड सारे उसके मैंने पोकेमॉन्स हरा दिए। एंड या उसके सारे पोकेमॉन्स हराने के बाद बेचारा वो बोल रहा है कि भाई मैंने तेरे सारे पोकेमॉन मूव्स, तेरे सारे पोकेमॉन्स मैंने चेकआउट कर लिए, नो डाउट तू अच्छा निकला है, बट आगे जाके मैं तेरे को हरा दूंगा। तो मैंने बोला भाई तेरे सपने में जरूर हरा देगा तू, ठीक है। बट हाँ यार, ये अच्छे खासे पैसे देखे गया, 2400 रुपए देखे गया मेरे को, जो कि मेरे अच्छे खासे काम आ जाने वाले। फिर से बोला कि भाई तू यहाँ से चला जा, ये मेरे पापा की माइन है तो तू यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चल भाई निकल जाए यहाँ से, मैं जा ही रहा हूँ। फिर गाइस जैसे ही बाहर निकला रूट 4 पे आने के लिए, तो वहां पे मेरे को दिख गया जहां पे मुझे आना था, जो कि आप लोग देख सकते हो, वो रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, ग्रास टाइप चैलेंजर, मतलब जो ट्रेनर होता है उसको हराने का, वो रहा स्टेडियम। जहां पे मुझे जाके मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले फाइट करने, जिम फाइट करने से पहले मेरे को जिम के मिशन कम्प्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं एलिजिबल हूंगा जिम ट्रेनर से लड़ने के लिए। Yes guys, फिर मैं निकल पड़ा हमारे जिम ट्रेनर का मिशन कम्प्लीट करने के लिए, जो कि था कि वो जो वुली है उन लोगों को मेरे को हर एक ये ब्लू वाली जगह पे लेके आना है एंड उसके बाद वो वुली उसको तोड़ेगी एंड उसके बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ। इन टोटल 20 वुलीज और 20 की 20 वुलीज को मेरे को वहां पे लेके जाना पड़ेगा। और आगे जाके ऐसा नहीं कि लाइक सिंपल होगा, आगे जाके कुछ हार्ड डिफिकल्टीज भी आएगी जहाँ पे मेरे को हर एक वुलीज को मेरे को संभाल के वहां पे लेके जाना पड़ेगा। फिर वहां पे मतलब थोड़ी बातचीत हुई, तो ये जो हमारे साथ अंकल थे ये मेरे को बोले कि भाई ये जो भी तुम्हारा मिशन है मैं बोल के आ जाता हूँ कि ये आपका चालू होने वाला है तो आपके ऊपर ध्यान रख लिया जाए। फिर गाइस मैं जितने भी पुलिस थी सबको मैंने प्रॉपरली अच्छे से रख दिया है, उसके बाद मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया था जो कि था ट्रेनर से लड़ने का। यस गाइस, अब मुझे पता नहीं है कि मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा, पर मुझे इतना पता है कि ये है ग्रास टाइप ट्रेनर, दैट मींस ये सारे के सारे ग्रास टाइप पोकेमॉन ही यूज करने वाला है, तो एट द एडवांटेज मैं एडवांटेज में ही हूँ क्योंकि मेरे पास सारे तगड़े पोकेमॉन्स हैं, ठीक है। तो यस गाइस देखते हैं, और यहाँ पे शायद हमारा डायनामैक्स भी हो सकता है। फिर गाइस मैंने अपना इटर्निटस निकाला, उसने उसका लेग्रॉस पता नहीं क्या ही नाम था उसके पोकेमॉन का, मैंने बिना टाइम वेस्ट किया अपना भाई कैनन यूज कर दिया एंड कैनन के एग्जैक्ट यूज करने के बाद वो वन शॉट किल अगेन हो गया। हाँ, वो थोड़ी तारीफ हमारी करने लग गया था क्योंकि भाई आज तक एक भी ऐसा ट्रेनर नहीं आया था जिसने उसके पोकेमॉन को वन शॉट कर लिया। और फिर अपना जेशिन को मैंने बाल निकाला और ब्लेजा मूत ब्लेड मैंने यूज की एंड भाई ये जो एनिमेशन था ये काफी तगड़ा था ब्लेजा मूत का, और भाई अगेन वो वन शॉट हो चुकी थी।
एंड बस ऐसे ही करते 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 मैंने उसके सारे एक्चुअली पोकेमोन हटा दिए, मतलब हरा दिए। एंड साथ ही साथ हमारा जो पोकेमोन है उन लोगों का भी लेवल अप खासा अच्छा हो गया था। फिर अपना शाइनी चार्जर निकालते ही मैंने उसका फायर बेस ट्राई किया, उसका हिपोन जो था वो भी फेड हो चुका था। तो गाइस खाली उसका एक ही पोकेमोन बाकी रहा था, अब वो मुझे पता नहीं था कि वो है कौन सा एंड वो डायनामैक्स यूज करने वाला है या नहीं करने वाला। इसके लिए अपना चारिज़ार्ड को बचाने के लिए मैंने चारिज़ार्ड को वापस अलग कर दिया, क्योंकि मेरा चारिज़ार्ड ही है जो कि अभी डायनामैक्स हो सकता है। ठीक है, तो फिर वापस मैंने डायनामैक्स कैनन यूज करी अपनी इटर्निटस की। एंड गाइस ये बेचारा जो ग्रास टाइप हॉर्स था ये भी वन शॉट किल हो गया। तो यस गाइस मैं अभी एडवांटेज में हूँ काफी तगड़े वाले। फिर उसके बाद भाई मैं तो अपनी खुशियां बनाना चालू कर दिया था कि भाई यस फाइनली हमारे पास एक और जिम बैच आने वाला है। और फैक्ट एक बात बता दूं, मेरे से पहले यहाँ पे होप आके जा चुका है एंड होप को ऑलरेडी जिम बैच मिल चुका है। तो यस अब हम लोग वापस शिफ्ट करने वाले हमारे पोकेमोन को जो कि है चारिज़ार्ड। एंड या वी आर गोइंग टू ट्राई अ डायनामैक्स। तो भाई यहाँ पे फाइनली हमारा जो ट्रेनर था उसने बोल दिया कि भाई अब बहुत ज्यादा ही हो गया और मैं ऐसे आसानी से हारने नहीं वाला हूँ, तू नूबी है और मैं प्रो हूं तो ऐसे थोड़ी ना हारूंगा। फिर गाइस उसने उसका उड़ने वाला कबूतर बाहर निकाला एंड उसने उसको कर दिया डायनामैक्स। और मुझे नहीं पता था कि डायनामैक्स कैसे करते हैं, बट या उसने निकाला तो या मैंने अभी अपना चारिज़ार्ड को थोड़ा हील कर दिया जिसके थ्रू मैं उसके डायनामैक्स जो मूव्स है उसको थोड़ा बहुत भी झेल सकूं। फिर उसके बाद भाई इसका जो ये बंदा था तो उसने अब बोल दिया कि डायनामैक्स टाइम हो चुका है, तो अगर तुझे डायनामैक्स करना है तो भाई फटाफट डायनामैक्स कर ले, अदरवाइज मैं तेरे को हरा दूंगा। तो भाई ये रहा उसका डायनामैक्स पोकेमोन जो कि आप देख सकते हो और भाई काफी तगड़ा लग रहा है ये। फिर उसने डायनामैक्स करते ही भाई उसके पोकेमोन ने तुरंत मेरे चारिज़ार्ड को अटैक कर दिया था, जिसके थ्रू मेरा जो चारिज़ार्ड की जो हेल्थ है वो ऑलमोस्ट शायद आधी आधी हो चुकी थी। ठीक है, पर पता नहीं भाई किस टाइप का मूव था ये, मेरे ऊपर घर के सामान फेंक रहा था पता नहीं क्यों। भाई तेरे घर में मम्मी डैडी नहीं है क्या? फिर उसके बाद गाइस मैंने भी बिना टाइम वेस्ट किए हमने हमारा चारिज़ार्ड को वापस बुला लिया एंड उसको कर लिया डायनामैक्स। तो लेट्स सी भाई हमारा 4000 का डायनामैक्स कैसा लगता है। तो यह बॉल काफी भारी था बट यह हम लोग ने 4000 डायनामैक्स कर दिया और भाई 4000 का डायनामैक्स एकदम तगड़ा लग रहा था, क्योंकि मेरा जो 4000 है वो ऑलरेडी शाइनी था एंड शाइनी 4000 काफी तगड़े लगते हैं। तो भाई मैंने शाइनी 4000 का जो मूव था जिसका नाम था जी मैक्स वाइल्ड फायर, वो एक अटैक के अंदर ही उसका सामने वाले का पोकेमोन फेंट हो गया भाई। इट वॉज नॉट वेरी एफिशिएंटली बट स्टिल भाई वो बंदा हार गया। एंड यस गाइस इन द एंड हमारे को मिल चुका था वन एंड ओनली द ग्रास टाइप बैच। तो ऐसे और भी कुछ बैचेस है जो हमें गैदर करने हैं, तो बस इसके बाद हमारे को वापस वहीं जाना है, बट वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। बट ये जिम ट्रेनर भाई मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्योंकि भाई ये हारने के बाद भी कुछ बोला नहीं, मैंने इससे बोला कि भाई तू बहुत काफी ज्यादा आगे जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमारी एक चीज और ओपन हो चुकी है कि अब हम लोग लेवल 25 के अबाव के पोकेमॉन्स भी कैच कर सकते हैं। या फिर हम लोग ने जैसे ही हमारा बैच लिया फिर उसके बाद मेरे को जिम जो ट्रेनर है उसने मेरे को एक गिफ्ट दी जिसका नाम था TM अगेन, जो कि था एक स्पेशल मूव मैजिकल लीप। यानी ये जो TM10 है वो अपने ग्रास टाइप पोकेमोन पे मैं यूज कर सकता हूँ फॉर लर्निंग अ मैजिकल लीप वाला। और मेरे को एक मेलो की यूनिफॉर्म भी मिल चुकी थी एज अ प्रूफ। फिर उसके बाद मेलो मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई अगर तू ट्रेनर है तो तेरे को ऑलरेडी एक लेवल में जाना पड़ेगा, मेरे बाद तेरे को एक और ट्रेनर है उसको हराना पड़ेगा और वो तेरे को मिलेगा हार्बर में। तो हार्बर बोला है दैट मीन्स वो होने वाला एक वाटर टाइप पोकेमोन ट्रेनर। लेट्स सी भाई कि हम लोग वहां पे चलते हैं, क्योंकि वहां जाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि हार्बर यहां से काफी ज्यादा दूर है। तो गाइस वहां से मैं जा ही रहा था तो वहां पे एक बंदा मिला जिसकी मैंने हेल्प की हुई थी, तो मुझे वो याद नहीं था, पर उस बंदे ने मेरे को एक गिफ्ट दी जो की थी बाइसिकल जिसका नाम था रूट बाइक। हाँ मेरे को मेयर ने भी एक गिफ्ट दी थी जो की थी फ्लाइंग टैक्सी, पर मैं वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं रूट जो मुझे जाना है जहाँ पे वहां पे मैं जाके नहीं आया हूँ। और वो वाली टैक्सी का एक काम ये है कि मैं जहाँ जाके आया हूँ जो चीज़ एक्सप्लोर करी हुई है मैं वही जगह पे दोबारा वो टैक्सी के हेल्प के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है, बट वहाँ जाने से पहले गए बीच में मेरे को मिल चुका था बल्बसॉर, तो मैंने सोचा क्यों ना 4000 वर्सेस बल्बसॉर किया जाए। यस गाइस यहाँ पे थोड़ा एक डिसएडवांटेज ये था कि मेरा 4000 एक्चुअली लेवल 30 का था और सामने जो वाटर टाइप पोकेमोन था वो समथिंग अराउंड 20 से नीचे था,
बट हाँ एक चीज ये थी, 20 से नीचे भी नहीं था वो, 20 से ऊपर ही था, बट एक चीज ये थी कि वो एडवांटेज में था क्योंकि था वो वाटर टाइप को था। बट एट द एंड गाइस मैंने ऑलरेडी मतलब एट द एंड मैंने बल्बसौर को पकड़ दिया जैसे तैसे करके भी, ठीक है, वो भी अल्ट्रा बॉल के अंदर, ठीक है। तो अब अपना जो बल्बसौर है, हमारे पास दो ऐसे पोकेमॉन हो चुके हैं जो डायनामैक्स हो सकते हैं, तो या हम लोग ने हमारा जो बल्बसौर है वो हम लोग ने पकड़ लिया, एंड मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग चुका था हमारी जगह पे जाने में जो कि था हार्बर, और वहां पे मुझे फोन आया कि भाई अपना जो होप है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है एंड उसने वाटर बैच ले भी लिया है भाई। तो गाइस ये बात सिर्फ बैच की नहीं आती, ये बात अब चैलेंज की आती है क्योंकि होप काफी ज्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड हम लोग एंड अप करते हैं, होप सो आप लोगों का एपिसोड के अंदर मजा होगा, मजा तो प्लीज सब लाइक शेयर शेयर। नेक्स्ट जो ट्रेनर का जो आने वाला है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि क्या मैं अपनी टीम चेंज करूँ या ना करूँ, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि वो वाटर टाइप में कौन से टाइप के पोकेमॉन यूज करने वाला है और क्या मेरे पोकेमॉन्स कैपेबल इनफ है उसे हराने को, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि मैं कौन से टाइप के पोकेमॉन्स पकड़ूं या कौन सा पोकेमॉन आप लोग देखना चाहते हो मेरी टीम के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस, टिल देन यार लव यू ऑल, सी यू, टाटा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जितना जरूर देखो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस, लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड बाय।